हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विजय कुमार है और आप देख रहे हैं टेक्निकल विजय चैनल। तो दोस्तों, 2019 में प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मतदाता कैसे बने एंड वोटर आईडी कार्ड अपनी कैसे अप्लाई करें, यानी कैसे बनवाएं अपने फ़ोन से या लैपटॉप से या कंप्यूटर से। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से ही कीजिएगा, बट मैं आपसे मोबाइल को से करके दिखा रहा हूँ आपको। तो सिंपली से आपको करना क्या है, अपने क्रोम ब्राउज़र पर चले जाना है। तो मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर चला जाता हूँ और क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद सर्च बार पे आपको टाइप कर देना है NVPS, ठीक है ना। और फिर आपको यहाँ पे स्पेस देने के बाद सर्विस पोर्टल, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है और आपके सामने जो ये फर्स्ट वेबसाइट आ जाती है, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। तो सिंपली से मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से अपना वोटर आईडी कार्ड चेक कर सकते हैं कि मेरे वोटर आईडी कार्ड में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। और नहीं आपको नहीं समझ पाते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, या आप मेरे चैनल पर चले जाएँ, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो सिंपली से हमें वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करना है, तो सिंपली से हम ये वाला फॉर्म चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म 6 अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो सिंपली से हमको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक कर देते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो इस वजह से ये हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन आ जाता है। तो सिंपली से आप अपना यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आप लैंग्वेज से भरना चाहें, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद फिर आपको नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद अपना राज्य डाल देना है, जिला डाल देना। और ख़ास तौर मैं बता दूँ, जिस पे ये रेड कलर का स्टार बना हुआ है, इसको तो भरना ही भरना है आपको, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद फिर आपको जिला और विधानसभा जो है आपका, वो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से सब कुछ आपका निकल आएगा, ठीक है ना। और पहली बार पे आपको क्लिक रहने देना है, फिर सबको नीचे चले आना है, फिर आपको अपना नाम दे देना है। नाम देने के बाद फिर आपको अपना, यदि कोई है यानी दूसरा नाम का कोई है तो उपनाम भी आपको दे देना है। आवेदक के नातेदार का नाम, मतलब आपके पिता पत्नी आपका कोई भी हो तो यहाँ पे आप उसका नाम दे सकते हैं, और फिर आपका उसके उपनाम भी दे सकते हैं आवेदक का, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको नीचे चले आना है, नातेदार की किस्म, यानी आपको यहाँ पर क्लिक करके, मतलब आपका मदर है, वाइफ है, कुछ भी है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ अगर आप इस प्रकार से देना चाहें तो यहाँ पर इस क्लिक करके दूसरी प्रकार से दे सकते हैं, अगर इसी प्रकार से देना चाहें तो यहीं पर क्लिक रहने देना, ठीक है ना। तो फिर आपको नीचे चले आना है, आवेदक मतलब लिंग या पुरुष, महिला या पुरुष का आपको कर रहे हैं, तो आप सिंपली से यहाँ पर ये डाल देना है। फिर आपको अपना वर्तमान पता डाल देना, जहाँ आप अभी रह रहे हैं। तो आप गली डाल देना, घर डाल देना, शहर डाल देना, डाकघर डाल देना, पिन कोड डाल देना, राज्य डाल देना, जिला डाल देना, ठीक है ना। इतना डालने के बाद फिर आपका स्थायी पता, जहाँ मतलब अभी आप रहते हैं, स्थायी पता डाल देना। अगर आप एक ही जगह रहते हैं तो आपको करना क्या है, सिंपली से यहाँ उपयुक्त पे क्लिक कर देना है, इधर पर, ठीक है ना। इधर पे क्लिक करने के बाद क्लिक कर देंगे तो जो आपने ऊपर डिटेल डाली है वो नीचे आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर आपको सिंपली से इसे चले आना है। फिर आने के बाद यहाँ पर आपको फैमिली ईयर एपिक नंबर, अगर आपके पास EPI नंबर आपका अगर जारी किया गया है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं किया गया है तो इसे छोड़ सकते हैं। तो सिंपली से फिर आपको अपने नीचे चले आना है। अगर आप मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर अगर मतलब कि कुछ भी प्रकार का आपका मतलब किसी भी प्रकार का आपका मतलब दूर मतलब ऐसा चीज़ हो, यानी मतलब आप अपाइज हो या वैसी चीज़ है, यहाँ पर कर सकते हैं जो आपका हो, तो ठीक है ना। तो सिंपली से हमको फिर नीचे चले आना है। इतना करने के बाद फिर आपको अपना यहाँ मेल आईडी डाल देना, मोबाइल नंबर डाल देना है, फिर आपको नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद अपना आपको फ़ोटो डालना है, यहाँ पर फोटो जो है उसको फोटो सेलेक्ट कर देना। फोटो कैसी होनी चाहिए वो आपको बता देता हूँ। फोटो पे ना ही कुछ लिखा होना चाहिए, ना ही आंखों पे चश्मा होना चाहिए, ना ही टोपी होनी चाहिए, आपकी फ़ोटो जो सिंपल होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र डाल देना है, जो आप डालना चाहते हैं, ठीक है ना। नीचे नीचे चले आना है, नीचे आपको प्रमाण पत्र का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर चॉइस फाइल पर क्लिक करके आप सिंपली से अपने गैलरी पर जाकर यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है ना। इतना डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे आपने क्या अपलोड किया, ठीक है ना, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो आपने अपलोड किया वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इतना सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको नीचे आ जाना है, यानी पता प्रमाण पत्र, आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है ना। यहाँ पर डालने के बाद फिर आपको नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद मैं घोषणा करता हूँ कि आप सर्वोत्तम ज्ञान से भारत में नागरिक हूँ और मेरा जन्म इस शहर में, यहाँ पर जो मतलब जहाँ पे हुआ है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, और राज्य जिला। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ, नीचे ऑप्शन आ जाता है, डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। फिर आपको क्या करना है वो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, जो आपने ऊपर पता दिया है, अगर आप जन्म से निवासी हैं तो सिंपली से वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर आपको डालने के बाद नीचे चले आना है। अगर आप
आपके सामने, मतलब आपका जो ऑप्शन चूज सही लगे तो वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। या आपको ये सही लगे या फिर आपका नीचे वाला, तो आप जहाँ पे क्लिक करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद फिर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अभी जिस वक्त मतलब जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं उस जगह स्थान डालना है एंड दिनांक डालनी है, फिर आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद फिर आपको भेजे पे क्लिक कर देना है। और मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, आप यहाँ पर एकदम रियल इन्फॉर्मेशन डालिएगा, वरना आपको यहाँ पे सज़ा भी हो सकती है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।